विज्ञान मेले में इस समय मौजूद हैं। भोपाल में विज्ञान मेला चल रहा है और दो मंत्री यहां पर मौजूद हैं, पारस जैन जी और दीपक जोशी जी। पारस जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर आपने पूरी विज्ञान प्रदर्शनी देखी, सबसे खास आपको क्या लगा? अभी तो मैं देख ही रहा हूं और वास्तविक में जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा है और देश के प्रधानमंत्री की मंशा है कि विज्ञान को आगे बढ़ाने का, और वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हुआ है 104 उसका, मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूर्व प्रधानमंत्री आतानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, यदि आपको ध्यान हो तो, एक वैज्ञानिक को देश की सुप्रत करा था। यह परंपरा चली आ रही है। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ के भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपने दिखाते हैं, जिसके बाद बन के बड़े बड़े लाते हैं, उसका लाभ मिलता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के विज्ञान मेले की हमेशा आवश्यकता है और हर साल होते रहना चाहिए। 6वां वर्ष है शायद, मुझे लगता है सतत हम भी प्रयत्न करते हैं, हर विभाग के लोग इसमें लगाते हैं। सर, आपके विभाग की भी प्रदर्शनी आपने देखी है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की, किस तरह का नवाचार आपको देखने को मिला और कितना मतलब ऊर्जा से आप खुद? बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा कि पहले किसी टाइम पे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज हमारे पास 17,500 मेगावाट पैदा हो रही है। आज मध्य प्रदेश जो है एक्सेस है और खपत भी जो है सिर्फ 11,500 मेगावाट की है, तो ये विज्ञानों के कारण तो हुआ है। धन्यवाद जी, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप कई बड़े काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर नई नई जो स्किल्स हैं यहाँ पर डेवलप होती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के नारे को सार्थकता के साथ जोड़ते हुए मैं इस मेले में देख रहा हूँ कि बड़े संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे और कॉलेजों के बच्चे मॉडल्स को देखने आए, और मॉडल्स से उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन आज भारत में कितनी तेज गति से प्रगति की है वो भी देखने को मिलता है, खास करके पावर के सेक्टर में जो उन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए। वो देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नारे की सार्थकता बढ़ाने के लिए विज्ञान भारती द्वारा आयोजित ये मेला हमारे भोपाल के युवाओं को, आसपास के युवाओं को एक नई दिशा देगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं आप सर, यहाँ पर तकनीक का काफ़ी बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ नया विज़न यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है? कहा ना, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, बच्चों को कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिलता है, उत्साह देखने वाला हम कह सकते हैं कि वाकई में इस विज्ञान मेले की सार्थकता इन युवाओं को प्रेरणा के स्वरूप में कहीं ना कहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी जी। तो कहीं ना कहीं दोनों मंत्रियों को साफ तौर पर कहना है कि विज्ञान की जो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होगा उसी प्रकार से बच्चों के अंदर भी उतना विज़न भी डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनी है वो अब इसके एक सार्थक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।